हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन लेते हुए जो एज एक्सपेक्टेड 43,000 का लेवल है वहां पे जाता हुआ दिखा है एंड अभी भी फिलहाल जो है हम उसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जो क्लोजर हमारा वीकली कैंडल से एक्सपेक्टेड था वो हमें मिला है एंड देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस आने वाले वीक्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन से एंड बाकी के ऑर्डर से। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertea.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का चार्ट जो ये नॉर्मल चार्ट है बिटकॉइन का, ये आपका क्लोजर जो कल के दिन हमें देखने को मिला वो मिला $43,858 के आसपास। एंड इसकी बात मैंने आपको फ्राइडे ही कहा था कि वीकेंड में हम कितना भी मूव दिखा दें कहीं ना कहीं हम मंडे को इस रेंज में इस बार सीएमई गैप हमारा फुलफिल होगा। जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है मार्केट में कुछ वैसा ही होता हुआ दिखा एंड फाइनली हमारा सीएमई गैप क्लोजर भी हो गया आज के दिन में। फिलहाल अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात कर लेता हूं वीकली चार्ट पे हमें क्या क्लोजर मिला है, देन हम देखेंगे सीएमई का चार्ट। तो गाइज, वीकली चार्ट पे जिस क्लोजर की बात मैंने की थी वो क्लोजर हमें मिल गया है। यानी कि अब ध्यान से देखो, हमारा RSI लेवल जो हमारा कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड मूव था वो अब अपसाइड मूव दिखाना शुरू हुआ है। क्या हम नीचे नहीं जा सकते हैं, बात करेंगे, लेकिन अगर हम नीचे जाते भी हैं तो भी हम बुलिश ही रहेंगे। क्यों मैं बोल रहा हूं ये बताता हूं आपको। आप ध्यान से देखो इस पैटर्न को एंड यहां पे आपको पूरा ओवरऑल जो अभी तक का जर्नी है बिटकॉइन का, मेजर ये बुल रन है, ये बुल रन है और ये हमारा अभी का करंट बुल रन है। कुछ वैसा ही पैटर्न फॉलो हो रहा है जैसा 2013-14 में हुआ था। डेफिनेटली वहां पे हम काफी ज्यादा ऊपर चले गए थे पहली बार एंड फिर हम काफी ज्यादा नीचे 50 के नीचे आ गए थे 48 के राउंड में, फिर वहां से रिवर्सल देखने को मिला और फिर हमने नया पीक बनाया 96 के राउंड में RSI पे और ये था पहला बुल रन बिटकॉइन का ऑफिशियल वन जो हालविंग के बाद आया था। जी हाँ, और यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट वे में देखने को मिला होगा चार्ट, ये 2017 का है जो कि एज पर TA परफेक्ट बुल रन था एंड उसमें कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिला कि हम इस रेंज में 55 से लेके 90 के रेंज में हम कंटिन्यूअसली जाते गए एंड अल्टीमेटली जब 90 का लेवल हमने टच किया तो बुल रन वहां पे ओवर हो गया था। वैसा ही कुछ पैटर्न जो है 2013-14 जैसा पैटर्न अगर देखें हम, आप देखोगे ध्यान से तो RSI जो है हमारा काफी नीचे, इस बार 50 के नहीं बिल्कुल हम 40 के रेंज में क्लोजर हमें देखने को मिला। 42-41 का लेवल हमने टेस्ट करके अभी पिछले 2-3 वीक से हमने अपसाइड मूव दिखाया और फाइनली जाके हम 54 के ऊपर आ गए। हो सकता है यहाँ पे ये वीक जो है थोड़ा बहुत हमें कूल ऑफ देखने को मिले, यानी कि जहां पे जिस रेंज में हम है 54-53 इसी रेंज में हो सकता है 55 या 57 के आसपास हमें क्लोजर देखने को मिले। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है इस वीक से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इसकी बात मैं करता हूं, लेकिन उससे पहले बताता हूं सकोष्टिक RSI भी जो है अपसाइड डायरेक्टली जा रहा है। डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा बुलिश मोमेंटम बन रहा है वीकली चार्ट पे एंड डेफिनेटली जो हमारा MACD की बात कर रहा था मैं वो वीकली क्लोजर के बाद पॉजिटिव में आ गया। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट MACD 158 की रेंज में आ गया, वहीं रेड लाइन जो है 714 के आसपास बना हुआ है। डेफिनेटली इस वीक हम शायद 500 के या 600 के लेवल के रेंज को हम रीटेस्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेते हुए थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखाएं इस वीक। ऐसा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि चार्ट पे कैसे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। वनडे के चार्ट पे वापस से लेके चलता हूँ, आप ध्यान से देखो क्या हुआ। आप अब ये जो चार्ट है ये हमारा EMA लाइंस है सारे, ये 200 EMA लाइन है, जब से हमें इसे सपोर्ट मिला तब से हम बुलिश हो गए हैं, ये आपको देखने को मिला है। लेकिन अब हम बात करेंगे MA लाइन। जी हाँ, मूविंग एवरेज EMA लाइन थोड़ा फास्ट मूविंग एवरेज होता है और MA जो रिवन होता है वो आपका जो एवरेज जो कह सकते हो मूविंग एवरेज है उसकी बात होती है। अगर मैं उस लाइन की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा मूविंग एवरेज हमने ब्रेक किया था 18 मई को और उसके बाद हम कंटिन्यूसली यहाँ पे स्ट्रगल किए थे लगभग एक वीक तक एंड फाइनली जाके हमें ड्रॉप देखने को मिला। डेफिनेटली प्राइस तो वहीं पे हम काफी नीचे चले गए थे लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ दिखा था, कुछ वैसा ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। उसका रीजन ये है 200 MA का जो लाइन है हम वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं। सपोर्ट की बात करें मेजर सपोर्ट की तो ग्रीन लाइन हमारा जो 21 EMA है अभी भी 39,200 के आसपास बना हुआ है। यानी कि वर्स्ट सिनेरियो में क्या ये लेवल पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। क्या ऐसा होगा उसकी मैं बात करता हूं। फिलहाल अगर मैं वनडे के चार्ट पे वॉल्यूम की बात करूं,
अभी भी गाइस वॉल्यूम नहीं है, इस चीज को माइंड में लेके चलो। जो थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें देखने को मिला था पिछले वीक, उसके कंपैरिजन में इस वीक काफी कम वॉल्यूम है, और हमें चाहिए एटलीस्ट इस लेवल का टावर बैक टू बैक कई दिनों तक, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़ा स्पाइक नहीं भी आए वॉल्यूम में तो भी चलेगा। लेकिन इस वॉल्यूम के साथ थोड़ा सा मार्केट में जो पॉजिटिव मूव हो रहा है उसमें थोड़ा सा संशय है, या कह सकते हैं डाउट रहेगा एज पर टीए। जी हाँ, एज पर टीए, लेकिन एज पर फंडामेंटल तो मैं यहाँ पे भी बोला था कि बिटकॉइन को ऊपर जाना, और वो जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है, इट क्वाइट पॉसिबल कि हम ये पूरा वीक हम इस लाइन को स्ट्रगल करें, यानी कि 45,000 के ऊपर डेली क्लोजर बनाने में स्ट्रगल करें। जी हाँ, कल के दिन हमने पीक रीच कर लिया 45,335 डॉलर। जी हाँ, और वहां पे उसके बाद डिक्लेनेशन देखने को मिला, एंड अल्टीमेटली क्लोजर तो आपको पता ही है 43,858 डॉलर के आसपास मिला। बात करते हैं सीएमई पे क्या हुआ है। सीएमई पे मैंने बताया था आपको फ्राइडे को कि इट क्वाइट पॉसिबल कि हमारा गैप बने अगर हम वीकेंड में मूव दिखाते हैं, और जी हाँ, जब से कैंडल स्टार्ट हुआ तब से हमारा जो है थोड़ा सा गैप बनता हुआ दिखा था, लेकिन अब ये गैप जो है भर चुका है। रीजन क्या है, सिंपल है, मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे आपको डेफिनेटली जो है 43,000 का लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा, एंड वो हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो हो चुका है, हमने अभी जो रिसेंटली लो रीच किया है 42,890 डॉलर, एंड जो यहाँ पे क्लोजर था उस दिन का वहां था 42,970 डॉलर। ऑल दो उसका जो पीक था, पीक टू पीक काउंट किया जाता है, वो हमने टेस्ट कर लिया जो कि था 43,430 डॉलर। तो सीएमई गैप तो नहीं बना, जो थोड़ा बहुत बना हुआ था वो फुलफिल हो गया अर्ली मॉर्निंग। तो अब यहां से बिटकॉइन क्या कर सकता है उसकी बात कर लेते हैं। देखो सीएमई के चार्ट पे भी आपको बिटकॉइन वन डे के चार्ट पे काफी बुलिश है, नो डाउट। वीकली चार्ट की बात कर लूं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीएमई चार्ट पे वीकली चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है। एंड उसका जो है आप देखो क्लोजर कहाँ पे मिला था हमें, हमें क्लोजर देखने को मिला था लास्ट वीक 42,970 डॉलर, यानी कि इस लेवल से ऊपर जो कि 4 जनवरी के ऊपर आया था। एंड ये वही लेवल है जहां पे हो सकता है 1-2 वीक हम सस्टेन करें, यानी कि अगला 1 से 2 वीक 45 से लेके 48,000 का लेवल हम रीटेस्ट करें। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, मैकडी जो है डेफिनेटली ऊपर की तरफ कन्वर्जन होता दिख रहा है। तो अब जो है जो करेक्शन आना था वो आ चुका है, वो चीज तो मैं कई बार बोल चुका हूं, अब ये चार्ट पे भी कंफर्म होता दिख रहा है। इस वीक का क्लोजर इट क्वाइट पॉसिबल कि हम साइडवेज एक्शन दिखाए या पॉजिटिव हो जाए। सीएमई पे भी हमारा माइनस में बना हुआ है ब्लू लाइन, लेकिन इस वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जैसे ही कन्वर्जन होता है गाइज आप रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्ट टाइम जो मैकडी ऐसा कुछ कन्वर्जन लिया था यहाँ पे वो था 12 अक्टूबर का टाइम, और उस टाइम में बिटकॉइन का क्या प्राइस था आपको पता होना चाहिए। 12 अक्टूबर के आसपास जो बिटकॉइन का प्राइस था वो था 11,000 से 12,000 डॉलर के बीच में, और उसके बाद जो रैली आई वो हम सबको पता है कि क्या किया बिटकॉइन ने, वहां से लगभग लगभग 5 to 6 times किया आराम से। अब यहां से अगर 5 to 6 times करता है बिटकॉइन तो क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है वो आप बस सोच लो। अभी आने वाले वीक्स में और आने वाले मंथ्स में आपको ये चीज चार्ट पे कंफर्म भी हो जाएगा। जी हाँ, ये टीए कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ गाइज, और मैकडी जो है डेफिनेटली ऊपर जा ही रहा है, सकुष्टी कार्य साइज पे भी बुलिश हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीएमई चार्ट, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बुलिश हो रहा है, और इसका इंपैक्ट आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर आपको प्राइस लेवल पे दिखेगा दोस्तों। और ये सिर्फ मैं बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, डोमिनेंस चार्ट पे भी पड़ेगा और इसका इंपैक्ट ऑल्टकॉइन पे भी पड़ेगा। लेकिन बात करते हैं अभी क्या पॉसिबिलिटीज है। तो अभी अगर आप देखोगे सकुष्टिक आरएसआई जो है 70 के आसपास जो है मेंटेन है, एंड इस जगह पे साइडवेज एक्शन ले रहा है, लेकिन अपसाइड मूव बता रहा है। मैकडी हमारा ऑब्वियसली जो है डेली चार्ट पे बुलिश है, डेफिनेटली बुलिश बना हुआ है। यहाँ पे इट क्वाइट पॉसिबल कि हम अगला 1 से 2 दिन जो है, याद रखना 1 से 2 दिन, क्यों मैं बोल रहा हूँ, सकुष्टिक आरएसआई की बात कर ली, मैकडी की बात कर ली, आरएसआई जो है लोअर हाई बनाया है, यानी कल का क्लोजर जो है लोअर हाई है। डेफिनेटली अभी कंफर्म होने में 1 दिन या 2 दिन का टाइम और हमें देना चाहिए। इट क्वाइट पॉसिबल, याद रखना इट क्वाइट पॉसिबल कि हम 60 से 65 का लेवल वापस से आरएसआई पे टेस्ट कर सकते हैं आने वाले 24 to 72 hours में, यानी अभी से लेके वेडनेसडे तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो मोमेंटम बिटकॉइन में अगर डाउनवर्ड आना है, अगर हमें 40,000 का लेवल रीटेस्ट करना है तो वो इसी वीक हम करेंगे। अगर हमने इस वीक अगर क्लोजर बना लिया ऊपर 43,000 के बिलो अगर हम नहीं जाते हैं, तो गाइज बी रिमेम्बर ये लास्ट टाइम हम देख रहे हैं बिटकॉइन को इस रेंज में, इस चीज को याद रख लेना। इसके बाद बिटकॉइन हिस्ट्री में कभी भी आपको 40,000 के लेवल पे नहीं दिखेगा। ये लास्ट वीक है, अगर हम इस वीक 40,000 या उससे बिलो नहीं जाते हैं अगले 2 या 3 दिन के अंदर, तो आने वाले कई सालों तक आपको शायद ना दिखे, और शायद फ्यूचर में कभी भी बिटकॉइन इस रेंज में ना दिखे। इस बात को नोट करके रख लेना। और अगर इस वीक का क्लोजर हमारा 43,000 से लेके 45,000 के ऊपर हो जाता है, यानी अभी 7 दिन है, 7 डेज के अंदर हम मात्र इतना भी मोमेंटम दिखा देते हैं, तो गाइज कंफर्म के साथ हो जाएगा कि हमारा ऑल सीजन भी बहुत तेजी से मूव होने वाला है। जी हाँ,
उसकी बात करूंगा, बट अभी 1 आवर के चार्ट पे जल्दी से चल लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे अभी रिसेंटली जो डाउनवर्ड मूव आया था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। RSI जो है 48 के आसपास चल रहा है, यानी कि 50 का लेवल हमें रेजिस्टेंस दे सकता है। इट क्वाइट पॉसिबल 43,800 का लेवल हम आने वाले आवर्स में टेस्ट करें अभी, और अगर वहां पे हमें रिजेक्शन नहीं मिलता है तो फिर गाइज हम आज शायद अपवर्ड मूव ही दिखाएं। लेकिन अगर रिजेक्शन मिलता है तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 42,346। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आज का कैंडल क्वाइट पॉसिबल कि रेड हो सकता है, एंड मार्केट के फंडामेंटल के लिए वो जरूरी भी है। और जो बेस्ट सपोर्ट केस बन रहा है वो 40,900 के अराउंड में 1 आवर के चार्ट पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली जो रेंज मैं बता रहा हूँ ये एज पर TA ही बता रहा हूँ, एंड अगर हम इस लेवल को रीटेस्ट करके फिर अपसाइड जाते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे नोट करने वाली बात यह है कि हमारा सकोष्टी कार्य साइड काफी नीचे आ गया है। यहाँ पे अब साइडवेज एक्शन एक्सपेक्टेड है, साइडवेज एक्शन लेगा तो भी बिटकॉइन थोड़ा बहुत नीचे ही जाता हुआ दिखेगा, और अगर हम यहाँ से रिवर्सल लेते हैं तो नो डाउट बिटकॉइन फिर ऊपर और ऊपर और ऊपर ही जाता दिखेगा, स्पेशली जब 21 EMA लाइन को रीटेस्ट करके हम अपसाइड जा रहे हैं। क्या हम कुछ ऐसा मोमेंटम दिखाएंगे जो टेस्ट करने के बाद फेल हो रहे थे? यस, क्वाइट पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। एंड अगर मैं बात करूं RSI तो RSI अभी भी 57 के ऊपर बना हुआ है, लेकिन MACD जो बता रहा है, MACD बोल रहा है आने वाले जो आवर्स हैं उसमें बिटकॉइन नीचे जा सकता है। जी हाँ, बिटकॉइन नीचे जा सकता है अगर हम आज के दिन 43,000 के ऊपर क्लोजर लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसे साइडवेज एक्शन भी कहा जाएगा और हम शायद 43,000 का लेवल या 42,000 का लेवल ब्रेक ना कर पाए आने वाले 2 या 3 दिन में। अगर हम इस लेवल के नीचे क्लोजर कहीं पे भी लेते हैं तो क्वाइट पॉसिबल हम 40,000 का लेवल रीटेस्ट करेंगे आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, जो मैंने आपको बताया अभी चार्ट पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे प्ले आउट होता है। मेरा मानना यहाँ पे साइडवेज एक्शन चलेगा अभी आने वाले कई आवर्स तक, हो सकता है 7 से 8 घंटे ऐसे ही दिखे बिटकॉइन, इसी रेंज में दिखे, एंड उसके बाद जो है हमें थोड़ा बहुत वापस से डाउनफॉल देखने को मिले। लेकिन याद रखना क्लोजर, आज का क्लोजर कहाँ पे मिलता है वो डिसाइड करेगा कि अगले 2 दिन क्या बिटकॉइन नीचे जाता है या नहीं जाता है। फिलहाल अगर बात करूं ओवरऑल चार्ट की तो यस, इट्स कम्प्लीटली बुलिश, और ये लास्ट टाइम है जब हम इस रेंज को टेस्ट कर रहे हैं। याद रखना जो मैंने आपको लेवल बताया 40,000 का, वहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और अगर मैं वन डे चार्ट पे बात करूं तो 39,000 पे सपोर्ट है, डेफिनेटली विद टाइम ये धीरे धीरे ऊपर आएगा तो अराउंड 40,000 का लेवल रीच हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर आपको चार्ट पे देखने को मिल सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो में बता रहा हूँ। और वहां पे अगर 40,000 या 39,000 का लेवल ब्रेक करता है तब वापस से बिटकॉइन जो है वापस से नीचे का लेवल टेस्ट करेगा। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज मेरे हिसाब से 5 से 10% है, 90% चांसेस है कि 90 से 95% चांसेस है कि हम 43 से लेकर 42 का लेवल जरूर टेस्ट कर सकते हैं। इट क्वाइट पॉसिबल 40,000 का लेवल भी रीटेस्ट कर सकते हैं अगले 2-3 दिन में। लेकिन अल्टीमेटली जो वीकली क्लोजर होगा हम इसी लाइन के आसपास क्लोजर बनाते हुए देखने की कोशिश करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है 45,000 के ऊपर अब क्लोजर डेली चार्ट पे अगर वो मिल जाता है, और उसके बाद वीकली चार्ट पे हमें अगर इसके ऊपर मिल जाता है, गाइस कह सकते हो कि ये लास्ट जो है वो मोमेंटम है जब बिटकॉइन आपको इस रेंज में दिखेगा। डेफिनेटली यहाँ पे अब साइडवेज एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम पूरे वीक, एंड देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 45,000 के ऊपर डेली चार्ट पे कब क्लोजर मिलता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि अभी तो हमारा बहुत कुछ चार्ट में निगेटिव हो गया था पिछले 2-3 महीने में, अब कुछ कुछ चीजें पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, एंड डेफिनेटली ये प्ले आउट करेगा तो बहुत इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा TA के पर्सपेक्टिव से। लेकिन बात कर लेते हैं गाइस कि आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। याद होगा डेथ क्रॉस की बात थ्रू आउट द इंटरनेट कहा जा रहा था, और वहां पे डेथ क्रॉस हुआ नो डाउट, और मैंने कहा था कि ये डेथ क्रॉस है लेकिन यहाँ पे बुल रन फिनिश नहीं हुआ है। ऐसा इस बुल रन में शायद पहली बार हो रहा है कि बुल रन के ड्यूरेशन में हमें डेथ क्रॉस देखने को मिल रहा है, लेकिन ये फेक आउट होगा। अभी भी ये चीज जो है कह सकते हो इसके फेवर में ही है, क्योंकि हम जब तक इस लाइन के ऊपर 45,000 के ऊपर हमारा डेली क्लोजर नहीं मिलता तब तक हम कंफर्म वे में नहीं कह सकते। लेकिन बाकी के फंडामेंटल हो या बाकी के चार्ट है वो साफ साफ यही इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले 4 से 8 हफ्तों में बिटकॉइन काफी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। बात करते हैं कि अगर इसी रफ्तार से बिटकॉइन मोमेंटम दिखाता रहा तो कब तक हमें गोल्डन क्रॉस देखने को मिल सकता है? तो इट क्वाइट पॉसिबल कि सितंबर एंड आते आते आपको गोल्डन क्रॉस ओवर देखने को मिल सकता है अगर इसी रफ्तार में चलता रहा। लेकिन मेरा मानना है कि इट क्वाइट पॉसिबल हो सकता है सितंबर एंड तक हमें वेट ना करना पड़े, उससे पहले ही हो सकता है मिड ऑफ द सितंबर तक ही हम जो है वापस से यहाँ पे बुलिश हो जाए, यानी कि गोल्डन क्रॉस बना ले। और लास्ट टाइम जो गोल्डन क्रॉस आया था दोस्तों, तो मैं बता दूं मई 2023 में आया था, एंड उस टाइम जो बिटकॉइन का रेंज चल रहा था वो अप्रॉक्सिमेटली 9 से 10 हजार के बीच में चल रहा था। ये वही रेंज है जहां से हमें एक रैली देखने को मिला था लास्ट ईयर, एंड आपको पता है उसके बाद क्या हुआ था। तो हर इंडिकेटर यही कहता है कि अभी यहां से बहुत बड़ी रैली आने वाली है बिटकॉइन में। डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये चीज कंफर्म भी हो जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं EMA हैश रिवन की, जिसकी मैंने बात की थी अप्रैल के मंथ में कि यहाँ पे अब थोड़ा बहुत जो है मोमेंटम नीचे की तरफ जो दिख रहा है वो होता हुआ दिखेगा, एंड अल्टीमेटली हम वापस से यहाँ पे बाय सिग्नल प्रिंट करेंगे ऑफिशियली इस वीक के क्लोजर के बाद। वो प्रिंट हो चुका है चार्ट पे,
आप लोग अगर फॉलो कर रहे होंगे इस चार्ट को तो डेफिनेटली वो आपको पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है, जब भी ये ब्लू स्पॉट रिपोर्ट होता है तो हमारा बाय सिग्नल रिपोर्ट हो जाता है, और मैक्सिमम टाइम हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन सिर्फ ऐसा 2 या 3 बार ही हुआ है कि ये रॉन्ग साबित हुआ है, अदरवाइज हमेशा ही सही रहा है। और यहाँ पे चाहे मैनिपुलेशन हो या माइनर कैपिचुलेशन हो या फिर जो भी हो दोस्तों, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा कैपिचुलेशन था अभी तक का एज पर हैश रिबन वीकली चार्ट पे, जो कि मेरे को साफ साफ दिख रहा है। एंड अब जो है यहाँ पे बाय सिग्नल रिपोर्ट करने वाला है गाइज, और बाय सिग्नल अगर रिपोर्ट होता है तो अब यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करो कि यहाँ से प्राइस कहाँ तक जा सकता है। ये चार्ट जो है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये काफी दिन पहले का ड्रॉ है, मैंने आप लोगों को अप्रैल या मई के मंथ में ये चीज चार्ट आपको दिखाया था। इट क्वाइट पॉसिबल कि अब यहाँ से हमें बाउंस बैक दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं ग्रीन एरो यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ सो दैट फ्यूचर में याद रहे कि ये बॉटम था, अब यहाँ से जो चार्ट है वो कंटिन्यूसली अपसाइड जाएगा। और ये चीज सिमिलर वे में आपको वीकली चार्ट पे दिख ही रहा है कि मैकडी भी कन्वर्जन दिख रहा है, आरएसआई भी 50 के अबव चला गया है, तो डेफिनेटली आने वाले वीक्स बहुत अच्छा हो सकता है। एंड जो एज पर प्रिडिक्शन है जो मैंने मई के मंथ में किया था, वो अप्रॉक्सिमेटली $3,500 तक जा सकता है बिटकॉइन, और अभी जिस हिसाब से रेंज बन रहा है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में ही बन रहा है, तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसे प्ले आउट होता है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्लोजर बनाना, एंड अभी काफी अर्ली फेज है, एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में हमें काफी अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, एंड जिसका हम सबको इंतजार है। तो ये वाला जो चीज है ये आपको रेप्लिकेट करते हुए दिखेगा आने वाले कई वीक्स तक। तो ये ब्लू, ये जो व्हाइट एरो है, अगर मैं अब ये ड्रॉ कर दूं, याद होगा ये 2013-14 से जब कंपैरिजन कर रहे थे हम, उस टाइम में मैंने ड्रॉ किया था, एंड अब ये जो उसका सेकंड फेज है, ये इट क्वाइट पॉसिबल कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर स्टार्ट होने वाला है, एंड उसके बाद जो बिटकॉइन रैली पकड़ेगा वो बिटकॉइन को न्यू ऑल टाइम हाई हिस्ट्री पे लेके ही जो है करेक्शन आ सकता है, एक मेजर करेक्शन की जो इसकी बात करता हूँ। लेकिन वो उसमें आने में भी टाइम, उससे पहले बहुत कुछ ऑल्ट कॉइन को करना है, तो डेफिनेटली इन सब चार्ट पे नजर बना के रखूंगा, टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। अब बात कर लेते हैं गाइस डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, डोमिनेंस चार्ट जो है वहीं पे है, प्ले आउट हो रहा है, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो फिर से जो है जो एक्सपेक्टेड हो रहा था जो वीकेंड के मूव के बाद, वो ऐसा कुछ प्ले आउट होता हुआ दिखा, एंड वापस से हम 47 की रेंज में आ गए। इसका इंपैक्ट बीटीसी के टर्म में दिख रहा होगा आपको, ऑल्ट कॉइन में आपका पोर्टफोलियो, लेकिन सकोस्टिक आरएसआई जो है वापस से 20 के आसपास चला गया। अब यहाँ पे रिजेक्शन मिलना जरूरी है डेली के चार्ट पे, तो इट क्वाइट पॉसिबल अगले 1 से 2 दिन के अंदर हमें यहाँ से रिजेक्शन मिले एंड वापस से हम नीचे ही जाएं इंस्टेड ऊपर जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब रैली देखने को मिला था तो हमें इस रेंज में काफी दिन तक जो है डोमिनेंस चार्ट प्ले आउट करता हुआ दिखाता है, एंड अल्टीमेटली जो है ऊपर की तरफ बार बार जो स्पाइक लिया था वो ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था, स्पेशली मई ऑनवर्ड ज्यादा। उससे पहले आप देखोगे कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, रिजेक्ट हो रहा था, ऊपर जा रहा था, रिजेक्ट हो रहा था, और अब हम 20 के आसपास हैं, तो इट क्वाइट पॉसिबल अगले 1-2 दिन में हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेते हुए रिजेक्ट हो, और अगला वीक का जो लास्ट फेज होगा आने वाले जो वेडनेसडे ऑनवर्ड जो टाइम होंगे वीक में, वो ऑल्ट कॉइन के फेवर में होंगे। फिलहाल जो ऑल्ट कॉइन थोड़ा बहुत बीटीसी के टर्म में स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा आपको, वहीं इसी ड्यूरेशन में आपका बिटकॉइन भी जो है डिसाइड कर लेगा रेंज जिसकी मैंने बात की चार्ट पे, वहीं डोमिनेंस चार्ट का इफेक्ट आपको सीधा सीधा इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे भी दिख रहा है, और अभी कंटिन्यूसली फॉल होता हुआ दिख रहा है, और आज भी जो है कंटिन्यूसली हम 1.5% ड्रॉप कर चुके हैं, और कल के दिन लगभग 3% ड्रॉप हमने दिखाया था। सपोर्ट लाइन कहां पे बनता है, सपोर्ट जो है मेजर वो बन रहा है 0.065 के राउंड में। वहीं अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई कूल ऑफ होना जरूरी था, 80 के आसपास आप स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो अभी भी 1 या 2 दिन यहाँ पे साइडवेज एक्शन ले सकता है, साइडवेज एक्शन लेगा तो भी यहाँ पे प्राइस इसी जोन में जा सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने इस लेवल पे बताया, अदरवाइज आपको इसी रेंज में दिखेगा इथेरियम बीटीसी चार्ट पे जिस रेंज में अभी हम हैं। फिलहाल जो है हम वापस से नीचे जा रहे हैं, डेफिनेटली क्लोजर कैसा होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, कल का जो है क्लोजर 60 के राउंड में था, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि आज जो है हम 55 का लेवल भी रीटेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो है डिसाइड होगा कि कैसे क्या बिहेव करता है। फिलहाल जो है साइडवेज एक्शन ले रहा है सब पूरे चार्ट पे, चाहे मैकडी हो, चाहे सकुष्टिक आरएसआई हो या फिर आरएसआई लेवल हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस भी जो है आपका इथेरियम बीटीसी चार्ट पे इसी रेंज में प्ले आउट करता हुआ दिखेगा, एंड इसका इंपैक्ट आपको यूएसडी चार्ट पे भी डेफिनेटली मिल रहा होगा, स्पेशली जब बिटकॉइन भी गिर रहा है इथेरियम बीटीसी चार्ट पे भी गिर रहा है, तो डेफिनेटली इथेरियम ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है यूएसडी चार्ट पे, जो कि एक्सपेक्टेड है। मैंने आपको बताया था 3300 के आसपास हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है और यहाँ पे स्ट्रगल कर सकता है, वो कल के दिन हमें रीच करता हुआ दिखा $3,234 से भी ऊपर का रेंज में, एंड अल्टीमेटली उसके बाद अभी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, कल हमें देखने को मिला लगभग 5% का रिजेक्शन और अभी तक लगभग 2% का रिजेक्शन। आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई कूल ऑफ हो चुका है, इट क्वाइट पॉसिबल हमारा क्लोजर इसी रेंज में कहीं पे हो आज के दिन का, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, इससे ऊपर ही हायर लोज बनाएगा
64 या 65 के अबव ही, वर्स्ट के सिनेरियो गाइस, क्या ये कुछ ऐसा मोमेंटम ले रहा है जैसा यहाँ पे लिया था? तो अगर ऐसा भी लेना तो एक और स्पाइक आएगा, देन उसके बाद हमें एक मेजर करेक्शन दिखेगा इथेरियम में, एंड उसके बाद जो है इथेरियम एक अगेन बड़ा स्पाइक ले सकता है। क्या एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है? नहीं, इट क्वाइट पॉसिबल कि हम 55 या 56 के रेंज में भी अगले 2 या 3 दिन में आ सकते हैं वर्स्ट के सिनेरियो में, एंड जब सबसे ज्यादा मेजर जो सपोर्ट है वो 52 के राउंड में होगा। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं गाइस तो अगेन से हम हायर लोज क्रिएट करेंगे, प्राइस लेवल पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे सपोर्ट की बात करूं तो अभी भी $2,626 के आसपास मेजर सपोर्ट है। सकोष्ठी काले से मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर अगले 24-48 घंटे में एक यहाँ पे जो है 80 के आसपास के लेवल पे साइडवेज एक्शन लेते हुए स्पाइक देख सकते हो आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर दोस्तों। डेफिनेटली उसके बाद जो इथेरियम ये जो रैली चल रहा है उसको कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। फिलहाल डोमिनेंस चार्ट भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, इथेरियम बीटीसी चार्ट पे भी गिर रहा है, एंड यूएसडी चार्ट पे एंड यूएसडी चार्ट पे इसलिए ज्यादा गिर रहा है क्योंकि बिटकॉइन भी जो है प्राइस को होल्ड नहीं कर रहा अपना। तो डेफिनेटली जो भी मैंने सिनेरियो बताया है वो प्ले आउट होगा, और अगला 3 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेवल के लिए, इस वीक के लिए, एंड अगले 3 दिन के बेसिस पे ही जो है आपका बिटकॉइन हो या फिर ऑल्ट कॉइन हो वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। याद रखना हो, मार्केट ऊपर ही जाना है, अभी जो करेक्शन चल रहा है ये लास्ट करेक्शन हो सकता है 40,000 के लेवल को रीटेस्ट करने जाए, लेकिन वीकली क्लोजर अगर 45,000 के ऊपर मिलता है बिटकॉइन के चार्ट पे तो वी विल बिकम एग्रेसिव बुलिस, एंड वो जो है आपको आने वाले 1 से 1.5 महीने में प्राइस एक्शन में अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है, और हो सकता है 1 से 2 महीने के अंदर अंदर बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई बनाना शुरू कर दे। लेकिन उससे पहले एक ऑल्ट कॉइन की बहुत बड़ी रैली आ सकती है इस ड्यूरेशन में जिसका हमें इंतजार है। उसके लिए इस वीक का क्लोजर जो लास्ट वीक का क्लोजर था वो हो गया, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हो गया है, यानी कि हम अब जो है ऑल्ट कॉइन की बारी है, और अगला 2 या 3 दिन के बाद आपको ऑल्ट कॉइन अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। डिपेंड्स कि बिटकॉइन जो है 40,000 का लेवल अगले 3 दिन तक होल्ड करता है या नहीं, एंड उसके बाद डोमिनेंस चार्ट कैसे बिहेव करता है। लेकिन इस वीक के ऑनवर्ड शायद आपका ऑल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।